हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वैली कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश, वेज रोल टिक्की। बनाने में बहुत ही आसान है और घर में सभी को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिए है 1.5 कप गेहूं का आटा, 1 कप कसा हुआ फूल गोभी, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया बारीक कटा हुआ, 2 उबले हुए आलू मैश करके लिए है, नमक और 1/2 पिंच बेकिंग सोडा। तो चलिए शुरू करते हैं वेज रोल टिक्की बनाने की प्रोसीजर। सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। गेहूं के आटे में हम बॉईल करके मैश किए हुए आलू डाल देते हैं। दो टेबलस्पून तेल डाल देंगे। एक चम्मच नमक डाल देते हैं और 1/2 पिंच बेकिंग सोडा। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका चपाती के लिए जैसे हम आटा बना लेते हैं वैसा आटा बना लेंगे। ध्यान रहे पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें, इकट्ठा ना डालें। आटा यहाँ पे मैंने गूंद लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच तेल डालते हैं और इसे चिकना कर लेते हैं। हमारा आटा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट सेट करने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे अच्छे से फिर से एक बार मसल लेंगे। आप देख सकते हैं आटा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। आटे को मैंने एक बार फिर से अच्छे से गूंद के ले लिया है। अब हम इसके लिए लगने वाली स्टफिंग बना लेते हैं। एक बाउल में हम कसा हुआ फूलगोभी ले लेते हैं। बारीक कटी शिमला मिर्च, आपको अगर गाजर पसंद है तो आप इसमें कसा हुआ गाजर भी डाल सकते हैं। बारीक कटा प्याज, सब्जियां आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें स्टफिंग को पहले से ही बनाकर नहीं रखना है क्योंकि नमक के वजह से इसमें पानी छूट जाएगा और जो स्टफिंग है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। हमारी टिक्की की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम आटे के बड़े बड़े रोल बना लेंगे। मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने आटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ले लिया है। अब हम एक बोर्ड पे तेल लगा लेते हैं। फैला देंगे हम इसे अच्छे से। हम बेलन को भी तेल लगा लेंगे ताकि बेलते वक्त जो आटा है उस पर स्टिक ना हो। अब मैंने यहाँ पे आटे का एक बॉल ले लिया है, उसे मैं बोर्ड पे रख देती हूँ।
और अब हम इसे रेक्टेंगल शेप में मोटा मोटा बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मोटा बेलना है हमें इसे रेक्टेंगल शेप में। मैंने इसे रेक्टेंगल शेप में मोटा बेल के ले लिया है, आप इसकी मोटाई देख सकते हो। हमें इसे पतला नहीं बनाना है। हाथ से हम इसे सेट कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इस पे स्टफिंग फैला देंगे। मैंने शीट पे स्टफिंग फैला दी है। अब हम क्या करेंगे कि हाथों से इसे, मैं अभी इस स्टफिंग को आटे में प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहे तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हाथों से इसे प्रेस करना इजी होगा। अच्छे से हम इसे प्रेस करके आटे में सेट कर देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। मैंने स्टफिंग को आटे में अच्छे से प्रेस करके सेट कर दिया है। अब हम इसका रोल बना लेते हैं। यहाँ से हम इसे ऐसे उठाएंगे, इसे ऐसे प्रेस करते करते इसका रोल बनाएंगे। हल्के हाथों से हमें ये काम करना है। ऐसे इसे ऐसे सील कर देते हैं और फिर हाथों से इसे ऐसे फैला देते हैं। मैंने इसे हाथों से रोल करके थोड़ा लंबा कर दिया है। अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। पहले हम बीच में से इसके कट कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे पीस कर लेते हैं। अब हम एक पीस ले लेते हैं इसमें से और इसे ऐसे प्रेस कर देंगे, टिक्की का शेप दे देते हैं इसे ऐसे। देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा शेप आया है इसे। इसे साइड में रख देते हैं। दूसरा पीस भी ऐसे उठा लेते हैं और प्रेस कर देते हैं इसे। मैंने सभी टिक्की बना के ले ली है। आप चाहे तो इन्हें बेक कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं या शैलो फ्राई कर सकते हैं, पर शैलो फ्राई करने से टिक्की ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, इसलिए मैं यहाँ पे इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम करके ले लिया है और अब मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। हमें टिक्की को स्लो फ्लेम पे शैलो फ्राई करना है। अब हम एक एक करके इसमें टिक्की छोड़ देते हैं। हमें इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। अब हम इन्हें फ्लिप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। अब हम इसे फिर से एक बार फ्लिप कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं कि नीचे से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट ऐसे और फ्राई कर लेते हैं। हमारी जो टिक्की है वो दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसी प्रोसीजर के साथ हम बाकी की टिक्की भी फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आज की डिश, टेस्टी और हेल्दी वेज रोल टिक्की। आप भी ये डिश घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।